हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है। आज तक मैंने आपको कोई बात नहीं बताई है, बट आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी सारी पोल खोलने वाला हूँ। आपको बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ दिल्ली में क्या करता हूँ। वैसे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख के जाओगे तो आज वाकई में हैप्पी हैप्पी और खुश होकर चले जाओगे और साथ में बहुत ज्यादा मोटिवेट होके भी चले जाओगे। आपको पता है कि हमारे अभी अभी 1 लाख सब्सक्राइबर है, बट इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की मेहनत क्या है और मैंने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था, पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी ट्रू कहानी। क्योंकि आपको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट जो है वो 3K है, 3000। उम्मीद करता हूँ आप कर ही दोगे। बात करते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ और कौन सी जॉब करता हूँ। मैं आपको जरा सी बात बताना चाहूंगा, 2015 से मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर और दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मेरा खुद का कोई घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। 2 साल के करीब मैं रहा नोएडा में, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया था। 2017 से कंटिन्यूसली यहीं पे इसी मकान में इसी रेंट पे रह रहा हूँ। ठीक है, आज तक मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया, बट मेरा खुद का घर नहीं है और जितनी भी मेहनत करी है मैंने यहीं पे बैठ के, इसी कमरे में बैठ के, कभी बाहर कभी अंदर कभी उस साइड कभी उस साइड, सारे जितने भी सब्सक्राइबर गेन किए हैं वो यहीं पे बैठ के किए हैं। कभी मैं पर्दा चेंज कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, यहीं पे सोना होता है, यहीं पे खाना होता है और यहीं पे वीडियो शूट करनी होती है। तो इसीलिए मेरा घर तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। एक बात बस बोलना चाहूँगा कि जो मकान मालिक है उसने कभी भी मेरे को ये फील नहीं आने दिया कि ये कमरा, ये जो मकान है जो मैं रह रहा हूँ, ये मेरा घर नहीं है। उन्होंने ऐसा मेरे को ट्रीट किया है आज तक जैसा मेरा ही ये घर है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसा मकान मालिक सबको मिले। अब बात करते हैं मैं काम क्या करता हूँ, जॉब क्या करता हूँ। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छी है, नाम मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर इतना है जो मेरी पोस्ट है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है, उसी पे मैं काम करता हूँ। कई सारे प्रोजेक्ट और डिफरेंट कंट्री के लिए मैंने काम किया है। बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप रहो, जो भी काम करो, आपको हमेशा खुश रहो। स्टार्टिंग फेज में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, मेरी जो सैलरी आती थी मैं कुछ भी बचा नहीं पाता था, क्योंकि फैमिली भी थी और बच्चे भी थे, मैं भी था, रेंट भी था, बहुत सारी चीज़ थी। पर जब से मैं यूट्यूब करने लगा तब से मेरी जो है थोड़ी सी किस्मत चेंज होगी और मैं और ज़्यादा खुश हो गया। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 50,000 कमाऊंगा, 40,000 कमाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा। मैंने हमेशा से ऐसे किया, 7-8 हज़ार रुपये आ जाएंगे यूट्यूब से, इससे मेरे बच्चों की जो है पढ़ाई वो यहाँ पे, मतलब पढ़ाई की फीस जो है मैं भरता रहूँगा और इनका खर्चा पानी जो चलता रहेगा। इसलिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। देखते ही देखते मैं काम करता गया, वीडियो डालता रहा। जब मैं जॉब करता था इतना नहीं बचा पाता था, इसलिए मैंने सोचा यार YouTube पे भी काम करेंगे, थोड़ा बहुत उधर से आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर से आ जाएगा, तो ऐसे में थोड़ा बहुत पैसे की बचत होगी। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहनें भी है, शादी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरी खुद की वाइफ भी है, बहुत सारा खर्चा होता है। जो फैमिली, जो परिवार दिल्ली में रेंट पे रहता है और अच्छी खासी जगह रहता है, उसको पता है कि रेंट कितना होता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, बट ये है कि फिर भी मैं खुश रहता हूँ। कई सारे यूट्यूबर मेरे को बोलते रहते हैं कि इसरार भाई आपकी खुशी क्या है। खुशी ये है कि मेरा दिल जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और जो बंदे मेरी वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि वाकई में यहाँ पे क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास मिलता है, इसी बात से मैं अप्रिशिएट हो जाता हूँ और उसके बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ बनाना। आज हमारे पास एक चैनल नहीं, दो नहीं, 3 चैनल हो चुके हैं। पहला है टेक्निकल इसरार, इससे भी अर्निंग आने स्टार्ट हो गई है, आपको पता है अब तो इसको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। दूसरा है हमारा इसरार इंजीनियर, उससे भी हमारे जो है डॉलर वगैरह बन जाते हैं, उसकी भी हर महीने करीब करीब पेमेंट आ जाती है। और एक हमने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया है जो कि इसरार मलिक है। उम्मीद करता हूँ उस पर भी आप रिस्पॉन्स दोगे और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आज ही उसको सब्सक्राइब करोगे। वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। कहने का मतलब है मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर काम करने का एक तरीका है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं खाली ना बैठूँ, मैं किसी को गप्पे ना लड़ाऊँ, मैं इधर उधर फालतू की बातें ना करके सीधा अपने काम पर फोकस करूँ। शायद यही वजह से आज हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो होने लगा।
इन स्टार्टिंग फेज में मैंने नहीं सोचा कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे कितने सब्सक्राइबर आएंगे। मेरे दिमाग में एक बात थी, अगर वीडियो क्वालिटी सही जाएगी और अच्छे से आप समझाओगे तो शायद तेरा चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं गया, वीडियो डालता गया और कुछ इश्यूज को सोल्व करता गया, हमारा चैनल भी चलने लगा, आपका भी प्यार मिलने लगा। और आज आप जानते ही हो, चाहे जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे छोटे हैं, कैसे भी है, पर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा लाइट नहीं है, या फिर आप रेंट पे रहते हो, यह आपके दिमाग में है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा, तो ये सब बातों को मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सेटअप नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे जुगाड़ बना रखा है, पर्दे ऐसे ही टंगा रखे हैं, और जो मेरे पास ये लैपटॉप भी है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी कंपनी ने मेरे को दिया है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। कंपनी का काम भी हो जाता है और छोटा मोटा जब मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है वो मेरा काम हो जाता है। तो कहने का मतलब है यार, आपको सिर्फ काम करना है, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जब आपके पास लगेगा कि हाँ अब मेरे को थोड़ा सा इनकम होगी, तो आप सब चीज़ें अपनी खुद की ले सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि YouTube चैनल स्टार्ट बहुत सारे बंदे कर देते हैं बट काम नहीं करते। वो सिर्फ 8 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, हार जाते हैं और बोलते हैं अब मेरे से कुछ नहीं होगा। भाई आपसे होगा, 101% होगा। एक बार आप 6 महीने तक काम करके देखो, साल भर तक काम करके देखो, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि ग्रो नहीं हो सकता। अगर मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में, सही तरीके से मेहनत करोगे, तो आपका भी चैनल ग्रो होगा, आप भी बहुत सारा पैसा कमाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं तो यहाँ इतना पैसा नहीं कमाता हूँ, पर यह है कि थोड़ी बहुत इज्जत तो मैंने हल्की फुल्की सी कमाई ली है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी अपनी इज्जत कमानी है, मुझे भी अपना नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, कमेंट में मेरे को जरूर बताना और इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।